दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज की जो वीडियो में गाड़ियाँ हैं ये सारी कराची में अवेलेबल हैं और इनके जो पेपर वगैरह सब कम्प्लीट हैं। नंबर प्लेट इनकी दोनों जेन्युइन होती है। जितनी भी गाड़ियाँ आप लोगों को दिखाऊंगी कि नंबर प्लेट जेन्युइन है, कोई एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है। जिनकी प्राइस है इसमें कमी पेशी हो जाएगी अगर आप लोग रब्ता करते हैं ओनर से। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप मेरी वीडियो 4 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ते के बाद देखते हैं तो प्लीज़ इन गाड़ी मालकान वालों को कॉल ना करें, क्योंकि ये गाड़ियाँ सेल हो जाती हैं 3 दिन के अंदर। ये अर्जेंट सेल की गाड़ियाँ जितनी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अर्जेंट सेल की गाड़ियाँ हैं। और जो ये गाड़ियाँ मुझे सेंड करते हैं इनके बाद जो फेसबुक पेजेस पे भी अवेलेबल होती हैं और ओलेक्स पे भी अवेलेबल होती हैं। तो प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो 6 या 7 दिन के बाद 1 महीने के बाद आप देखते हैं तो प्लीज़ इनको कॉल ना करें, क्योंकि ये गाड़ियाँ सेल हो जाती है, ये अर्जेंट सेल की गाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को आज की पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो बढ़ते अभी वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोग, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो गाड़ी है सुजुकी मैरान और 2011 का मॉडल है। इसकी प्राइस मुझे काफ़ी हद तक समझ में आई है। अगर आप लोग ब्रोकर हजरात हैं, गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो तकरीबन इस गाड़ी में 20-30 हज़ार रुपये का जो है डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब इसकी जो प्राइस है इसमें कमी पेशी हो जाएगी। तो गाड़ी तकरीबन के टचअप है, फुल शावर नहीं है और 2 या 3 पीस इस गाड़ी की, 4 पीस ज़्यादा से ज़्यादा टचअप है, बाकी इससे ज़्यादा पूरी गाड़ी है शावर नहीं है। पेपर इसके कंप्लीट हैं, इसके जो नंबर प्लेट हैं दोनों जेन्युइन हैं, टैक्स वगैरह सब पेड है। कराची में अवेलेबल है ये गाड़ी और ये सिंध नंबर की गाड़ी है। तो अगर आप लोग ये गाड़ी परचेस करना चाहते हैं इसके ओनर का जो नंबर है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो वीडियो ज़रा गौर से देखें मेरी और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इनके बीच में आपको नंबर जो है नहीं मिलता स्किप होने की वजह से। तो वीडियो बराए मेहरबानी पूरी तरह से देखें। तो गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में, जो इसके टायरों की कंडीशन तकरीबन की 80 से 70% तक गुड है। तो ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए जब आप गाड़ी परचेस करना चाहते हैं कि टायरों की कंडीशन क्या है, आपको कहीं चेंज तो नहीं करने पड़ेंगे। तो इसकी प्राइस है 4,85,000 रुपये, इसमें कमी पेशी हो जाएगी, इसकी फाइनल प्राइस नहीं है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ। तो उम्मीद करते हैं ये गाड़ी भी आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए अच्छी गाड़ियाँ लाऊँ अपनी वीडियो में। तो जो इतार बाज़ार की सूरत हाल है उसमें तो बहुत ज़्यादा प्राइस होती है गाड़ियों की, और ये कल्टस गाड़ी है वाइट कलर में। इसके जो बम्पर वगैरह ये चेंज होंगे या तो कलर करवा सकते हैं आप। गाड़ी परफेक्ट कंडीशन में है, बाहर से गाड़ी मतलब कि कहीं कहीं से शावर है, फुल शावर नहीं है गाड़ी, अंदर से जेन्युइन है 100%। तो गाड़ी की माशाल्लाह कंडीशन तो बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन है, अंदर से नज़र आ गई आप लोगों को। 2006 का मॉडल है सुजुकी कल्टस VXR और 4,50,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। इसमें बहुत प्राइस भी कम हो जाएगी और जो नंबर है ओनर का वो आप लोगों को डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। अगर आप लोग गाड़ी समझ आती है, पसंद आती है तो ये गाड़ी आप परचेज़ कर सकते हैं। अगली गाड़ी हमारे पास ये भी कल्टस है, और कल्टस के मुझे 2-3 बंदों ने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई कल्टस आप एड करें। मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में अपनी एक गाड़ी कल्टस या 2 गाड़ी कल्टस लाजमी मैं ऐड करूँ, और जितने मेरे लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, आप लोगों को नज़र आ रही है कि वाइट कलर में अलायरे मगर इंस्टॉल है इसके अंदर, और टायरों की कंडीशन 70 से 80% तक गुड है। नॉर्मल टायर सिस्टम इंस्टॉल है इसके अंदर, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में, और ये EFI इंजन में है। और जो 2008-07 के दिसंबर से ऊपर की जितनी भी गाड़ियाँ EFI मॉडल में आई हुई हैं, तो अंदर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है 100%, और बाहर से गाड़ी ये टचअप है, कहीं कहीं से फुल शावर नहीं है गाड़ी। फिर भी आप लोग लेते वक्त गाड़ी को सही तरह से चेक करें और एक मतलब मैकेनिक अपने साथ लेके जाएं जो गाड़ी को अच्छी तरह से जानता हो। तो सुजुकी कल्टस VXR है, 2012 का मॉडल है, 9 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं, नंबर शो हो रहा होगा ओनर का, इसमें कमी पीछे हो जाएगी, ये फाइनल प्राइस नहीं है। तो अगली गाड़ी हमारे पास Daihatsu Core है। Daihatsu Core की मुझे थोड़ी देर पहले ही एक मैसेज आया था कि शानी भाई Daihatsu Core ऐड करें, और मुझे फेसबुक पे भी एक कमेंट्स आया हुआ था Daihatsu Core का। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी हर एक वीडियो में Core, Alto और मेहरान कल्टस लाजमी ऐड करूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बजट में गाड़ियाँ होती हैं, जो छोटे मोटे ब्रोकर होते हैं तो तकरीबन के 6 या 7 लाख की रेंज में अपना काम करना होता है, वो ऐसी तरह की गाड़ियाँ यूज़ करते हैं अपने काम के लिए, क्योंकि ये गाड़ियाँ वो हैं जो आप लोग 4 लाख 5 लाख की रेंज में अगर परचेज भी कर सकते हो तो 20-30 हज़ार रुपये आपको आराम से ये कमा के देगी गाड़ी थोड़ी बहुत डेकोरेशन करने के बाद। तो ये गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में, बाहर से गाड़ी ये छत या इसके डिगी जेन्युइन है, बाकी ये गाड़ी शावर्ड है। 4,75,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, 2006 का मॉडल है, ओनर का जो नंबर है वो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आप लोगों को। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी हर एक वीडियो में आप लोगों को सही तरह से गाइड करूँ और नंबर के साथ पूरी गाड़ी की जो डिटेल है वो आप लोगों को दूँ। तो अगली गाड़ी हमारे पास ये Core का, ये बहुत पुराना मॉडल है और मेहरान से तो काफ़ी बेहतर है। अगर आप पुराना मॉडल मेहरान लेते हैं तो तकरीबन ये
मुझे थोड़ा सा ही बेस्ट लगा। अलारम इंस्टॉल है इसके अंदर, जो टायरिंग कंडीशन तकरीबन 70 से 80% तो गुड है। गाड़ी परफेक्ट कंडीशन में कोई काम नहीं है, ना हिस्से में ना बॉडी में कोई काम है। इंजन वगैरह परफेक्ट है इसका, एसी वगैरह नहीं है इसमें, एसी का सामान मेरे ख्याल में लगा हुआ है। बहरहाल ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, ये मैंने ओलेक से उठाई हुई है गाड़ी, फिर भी आप लोग लेते वक्त गाड़ी को सही तरह से चेक कर सकते हैं। तो लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल करवाया हुए हैं भाई ने, और गाड़ी अच्छी है। मतलब कि मेरान अगर लेना चाहते हैं इस बजट में, आपको मेरान भी मिल सकती है और ये भी मिल सकती है कोरे, तो 2,70,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। इसमें कमी पेशी हो जाएगी थोड़ी बहुत अगर आप लोग रब्ता करना चाहते हैं तो। तो ओनर का नंबर आप लोगों को शो हो रहा होगा, मैं अपनी हर वीडियो में हर के मालिक का नंबर ज़रूर शो करता हूँ ताकि आप लोगों को लेने गाड़ी परचेस करने में आसानी हो। तो ये गाड़ी है, मुझे सुबह रिसीव हुई है व्हाट्सएप पे, किसी भाई ने मुझे सेंड करी यार गाड़ी मैंने सेल करनी है। तो गाड़ी परफेक्ट कंडीशन में, बाहर से शावर डे, अंदर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है, सिल्वर कलर में, काम वगैरह कोई नहीं है गाड़ी में, ना बॉडी वाइज, ना सस्पेंशन, ना अंदर से जो इंजन की कंडीशन है वो भी 100% ओके की है। ऐसी परफेक्ट वर्किंग में सीएनजी वगैरह पेट्रोल पे स्टार्ट है, 6,50,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, और 96 का मॉडल है, होंडा सिविक है। तो गाड़ी परफेक्ट कंडीशन में है, इंजन जो है इसका चेंज है लेकिन बुक पे अपडेट है। तो बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, तो GLI की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी। GLI 12-13 के रेट ऐसे हैं कि यार मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभार। मैं ओलेक्स खोलता हूँ या किसी की शोरूम वाले से रब्ता करता हूँ, या भाई मुझे किसी के लिए गाड़ी चाहिए, मेरे जो यूज़र हैं उनको गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, तो आप मुझे रेट दिया करें। तो रेट उनके ऐसे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, 18,00,000, 17,00,000, 2010-2012 के मॉडल के, अब पता नहीं आजकल ये चल रहे हैं। तो इससे अच्छा है बंदा नई गाड़ी ले ले, 15 के मॉडल की या 16 के मॉडल की न्यू शेप में, वो भी आपको सेम प्राइस में मिल जाएगी। बहरहाल इनकी प्राइस ज़्यादा है। तो ये गाड़ी है, सिर्फ इसके दो दरवाजे टचअप हैं, GLI 2010 का मॉडल है, बाकी इसका स्टेपनी टायर वगैरह रखा हुआ है और पेपर वगैरह सब कंप्लीट है, टैक्स वगैरह सब पेड है। इसकी डिमांड जो है वो आप लोगों को शो हो जाएगी, इसमें कमी पेशी हो जाएगी। इसकी फाइनल डिमांड नहीं है अपने इंजन में, 1300 cc मैनुअल ट्रांसमिशन में, ये गाड़ी ऑटो में नहीं है, और 1300 cc हमेशा मैनुअल में ही आती है इस पुराने वेरियंट में। 2010 का मॉडल है, तो गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी, कोई काम नहीं है इस गाड़ी में। 16,20,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इसमें कमी पेशी हो जाएगी अगर आप लोग लेना चाहते हैं ये गाड़ी तो। तो इससे कम रेंज वाली मुझे गाड़ी नज़र नहीं आई, बहरहाल किसी ने मुझे सेंड करी, मैंने कहा चलो मैं लगा देता हूँ यार गाड़ी। फिर भी आप लोग अगर इससे परचेज़ करना चाहते हैं गाड़ी, तो ओनर का नंबर वगैरह शो हो रहा होगा आप लोगों को। ये भी अर्जेंट सेल की गाड़ी है, 3 दिन के अंदर अंदर आप लोग ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसकी जो गाड़ी के मालिक हैं इसको कॉल ना करें, क्योंकि ये गाड़ी सेल हो जाएगी। तो अगली गाड़ी हमारे पास होंडा सिटी 2004 का मॉडल है, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। बाहर से गाड़ी तकरीबन के छत दिखी, बोनट जेन लेने, बाकी गाड़ी है शावर साइडों में से। तो गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में है, मैनुअल ट्रांसमिशन में, इंजन चेंज है, बुक पे अपडेट है। 9,90,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कमी पेशी हो जाएगी इसमें। अगर पिछले रेटों में देखा जाए तो इस रेट में हम लोगों को 2005 का मॉडल ऑटो मिल जाता था। तो रेट बढ़े हुए हैं इस वजह से इनकी कीमतें बढ़ी हुई हैं, क्या पता जब तक कि कस्टम खुल जाए इनके रेट जो है नीचे आ जाए। बहरहाल ये गाड़ी है जो देख सकते हैं आप लोग, सुजुकी बोलान, और ये एसी वाली गाड़ी है, और सुजुकी बोलान GL है, मैंने आई लगा दी, आप गलती में मुझसे मिस्टेक होगी, एसी वाली गाड़ी है, एसी लगा हुआ है इसमें। गैस की मतलब सर्विस की ज़रूरत है, गैस वगैरह डलेगा या मैकेनिकल काम होगा कुछ। 4,40,000 रुपये डिमांड करें, 2006 का मॉडल है सुजुकी बोलान, इसमें कमी पेश हो जाएगी। और अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त मेंटेन की हुई है गाड़ी, अक्सर ये बोलान गाड़ियाँ मेंटेन करते हैं लोग। तो बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, तो अगली हमारे पास गाड़ी है सुजुकी एल्टो है, 2007 का मॉडल है, गाड़ी बाहर से शावर है, अंदर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है। इसकी प्राइस में मुझे थोड़ी बहुत आजकल की जो रेटेज में हैं रेट हैं कीमतें हैं तो उनके हिसाब से मुझे थोड़ा सा बेहतर लगी है। अगर आप लोगों को ये गाड़ी समझ में आती है, पसंद आती है, तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। 4,70,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, तो इसमें कमी पेशी हो जाएगी। CNG पेट्रोल वगैरह परफेक्ट वर्किंग में, पेपर सब कंप्लीट हैं, इसके डॉक्यूमेंट से क्लियर हैं, और जो इसकी नंबर प्लेट हैं दोनों जेन्युइन हैं, टैक्स वगैरह सब पेड है। तो ये गाड़ी अगर आप लोगों को रेट में थोड़ा बहुत समझ में आ जाती है तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं इस गाड़ी को। बाकी आज की वीडियो थी यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स कर रहे हैं और कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे आप लोगों के, कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरा एक न्यू ब्लॉगिंग चैनल है Shani 2.0 के नाम से, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो जहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यार दिखाएं यार। तो आज की वीडियो थी यहीं तक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I'm sorry.
प्लेट लगाई हुई अपने? ठीक है, तो फैंसी नंबर प्लेट लगी हुई है, कराची का नंबर, LCD बैक कैमरा वगैरह इंस्टॉल है इसके अंदर, और गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी है, और 5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं इसके। अगर आप लोग चाहिए तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते हैं 86 की, जो 86 गाड़ी ऐड करें, तो 86 मैंने ऐड कर दी। अच्छा, तो हम लोग पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं वीडियो। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें भाई, और सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिमांड करें इसकी 14-17 का मॉडल है ये। है 83 इसकी डिमांड कर रहे हैं। रूम खोलें सर, गाड़ी जेनियन है टोटल? टोटल कराची में तो जेनियन आती भी नहीं। टचअप होगी? टचअप अच्छा भाई, सिलेंडर एयर बैग हर चीज की गारंटी है। 20 50 होते हैं। अच्छा, तो 120 में आज इसके टचअप होंगे, बाकी ये गाड़ी टोटल जेनियन 660 सीसी में ये भी, और ड्राइव बैटरी वगैरह इंस्टॉल है इसकी। और बाकी अगर देख सकते हैं आप लोग, डिजिटल मीटर में जो आती है 660 सीसी, ऑटो ट्रांसमिशन में, और इसकी LCD वगैरह लगी हुई है। गाड़ी अंदर से पूरी गाड़ी जेनियन है, बाहर से थोड़ी एक दो पीस कह सकते हैं कि टचअप है जी, क्वालिटी वाली है। मैं बता दिया पूरा गाड़ी का, और गाड़ी अच्छी कंडीशन में है। मैं इसका नंबर वगैरह ले लेता हूँ, बाइक का ऐड कर लेता हूँ। और डिमांड क्या कर रहे थे? सॉरी, 83 डिमांड कर रहे। पेपर वगैरह सब कंप्लीट है इसके? ऑनर क्लियर, हर चीज़ क्लियर। ठीक है यार, नंबर बता दीजिए अपना। 0321 925 9104 9104। कहाँ की लोकेशन है सर? गुलबर्ग। गुलबर्ग की लोकेशन है। कमी पेशी हो जाएगी अगर कॉल वॉल करें आपके पास तो? आप मैंने पैसे बहुत मुनासिब मांगे, आप मार्केट में घूमो। नहीं, मार्केट टच कर रहा हूँ मैं सर। हाँ, मार्केट आप सर्च करो। मैं तकरीबन एक डेढ़ घंटे गाड़ी की तंगी चल रही है अपने लिए। घर के लिए कैसी गाड़ी रखी होगी ये सोच लो। अच्छा जी, कहाँ पर है शोरूम आपका? जमशेदपुर। ठीक है, बाकी डिमांड में थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाएगी। और इसकी घर की गाड़ी है, वैसे भाई का शोरूम भी है, अगर आप लोग कोई इसके अलावा कोई गाड़ी परचेस करनी है तो भाई से परचेस कर सकते हैं। गाड़ी साफ सुथरी कंडीशन में है। एक मेरान खड़ी हुई है, 2.5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं, 97 और दिसंबर की है। तो ये नंबर वगैरह ये लगा हुआ, इंजन वगैरह दिखाया था मैं, इंजन रूम से जेनेन है, बाहर से गाड़ी है, शावर्ड है। 2.5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं, ग्रीन कलर में ही गाड़ी। गाड़ी के टायर वगैरह भी सही हैं, बाकी अगर समझ में आती है गाड़ी तो भाई से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग नंबर वगैरह शो करा दिए स्क्रीन पे। बढ़ते आगे की तरफ लेते हैं इसका। तो 12 का मॉडल है और 7.5 डिमांड कर रहे हैं इसकी। 2012 कोरे, 7.5 डिमांड कर रहे हैं इसकी। बाकी रूम वगैरह मैं दिखा दूँगा। 7.5 12 का मॉडल है। रूम से टोटल गाड़ी है जेनियन है, बाकी पूछ लेते हैं ऐसी CNG पेट्रोल सब वर्किंग में है कि नहीं इसका। और 12 की मुझे रिक्वेस्ट आ रही, 2-3 दिन से मैं ऐड नहीं कर रहा था गाड़ी है कोरे, तो मैंने आज ऐड कर लिए। ऐसी CNG पेट्रोल सब वर्किंग में? ठीक है, फर्स्ट ओनर में? नहीं, सेकंड में। टैक्स वगैरह सब पेड है इसका? ये ओरिजिनल ये इतनी चली हुई जी। अच्छा, नंबर यार बता दीजिए अपना। 0301 0301 3390 3390 604 604। कहाँ की लोकेशन है सर? ये शाफिज़ल। शाफिज़ल की लोकेशन है। ठीक है, क्या नाम है आपका? शहजाद। तो शहजाद भाई के पास ये गाड़ी शाफिज़ल की लोकेशन है, और दिमाग में थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाएगी अगर आप लोग कॉल करते हैं तो। 12 के जितने लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो 12 की जो मैं पूरी कर रहा हूँ। बाकी गाड़ी काफ़ी हद तक जेन्युइन है ये।
तो अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह 2011 का मॉडल है, 16 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं गाड़ी की। बाकी रूम अगर विज़िट कराया तो इस गाड़ी का, गाड़ी सिर्फ टचअप है ये गाड़ी, और इंजन रूम से कुछ इस तरह से 1.3 इसका अपना इंजन जो होता है वही इंस्टॉल है, और गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी अंदर से, तो अंदर से टोटल गाड़ी जेन्युइन मिलती है, बाहर से हल्की फुल्की टचअप है गाड़ी। 2011 का मॉडल है, 16 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं इसकी। क्या टैक्स वगैरह सब पेड है इसका? है कितने ओनर में गाड़ी है? सेकंड या थर्ड है। सेकंड या थर्ड ओनर में गाड़ी है जी, बताइए। 0345 9898 70 70 887 887। कहाँ की लोकेशन है यार? डिफेंस फेज टू की है। तो डिफेंस फेज टू की लोकेशन है गाड़ी, माशाल्लाह साफ है ये। 16 लाख रुपये इस गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं, बाहर लेते वक्त फिर भी आप लोग चेक कर सकते हैं गाड़ी को, बोनट बंद करवा के मैं वैसे भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। टायर भी तकरीबन इसके 80 से 70% तक गुड हैं। बाकी इसकी फ्रंट से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाड़ी किस तरह की है। गन मेटल कलर में गाड़ी टचअप है पूरी, गाड़ी शावर नहीं है ये, और 1.3 का इंजन है इसका अपना, मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी, और एसी वगैरह सब वर्किंग में, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है, टैक्स वगैरह पेड है। शुक्रिया सर। तो आगे भी हैं गाड़ियां वो, तो उनको भी ऐड करते हैं इंशाल्लाह, और आप लोगों की जितनी भी रिक्वेस्ट है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करें कम से कम प्राइस वाली गाड़ियां ऐड करें। लेकिन आजकल जो मार्केट चल रही है उस हिसाब से देखा जाए तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है गाड़ियों की। तो जैसे ये 4 खड़ा हुआ, 4 का मॉडल, 460 इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो ये बलेनो खड़ी हुई है, 36 डिमांड कर रहे हैं, 2005 का मॉडल है। बलेनो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी हुई है, पता नहीं क्यों रेट में, लेकिन ये 4.5 से ऊपर की गाड़ी नहीं थी, तो क्योंकि अभी थोड़ा सा रेट वगैरह बढ़े हुए हैं गाड़ियों के, तो इस वजह से ये भी आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा लग रही होगी। 2005 का मॉडल है, लेकिन नंबर वगैरह नहीं लूँगा क्योंकि इतनी ज़्यादा प्राइस है इसकी, तो नंबर लेना वगैरह आप फजूल है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 93 का मॉडल है इसकी, 390 डिमांड कर रहे हैं सुजुकी बोलान। 93 का मॉडल है, 390 डिमांड कर रहे हैं। टैक्स वगैरह पेड है इसका? ठीक है। पेपर वगैरह? 93 का मॉडल है, गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, बॉडी वाइज मुझे कोई काम नज़र नहीं आ रहा, अंदर से भी पूरी गाड़ी साफ़ सुथरी कंडीशन में है। बाकी लेते वक्त फिर भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं। और अंदर से भी गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है, और पंखे वगैरह इंस्टॉल हैं, देख सकते हैं आप लोग। नंबर वगैरह भाई के दे देता हूँ मैं, अगर आप लोग गाड़ी समझ में आ जाती है तो आप भाई से कांटेक्ट कर लीजिएगा। और काफ़ी लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार बोलान ऐड करें और कम प्राइस वाली गाड़ी ऐड करें, तो बोलान की मैं आज 2 गाड़ियाँ ऐड कर रहा हूँ और कम प्राइस वाली। तो नंबर वगैरह भाई का ऐड कर देता हूँ। खान साहब नंबर बताइए। कौन सा जेएस का? कोई भी चलेगा। 0345 6134 927 927। क्या नाम है? जहीर खान। कहाँ की लोकेशन, कहाँ रहते हैं? मतलब ये शाफेसल कॉलोनी, शाफेसल। टैक्स वगैरह पेड है इसका? सब क्लियर मिलेगी आपको। 390। तो 390 डिमांड कर रहे हैं। 93 का मॉडल है, बाकी कमी पेशी हो जाएगी कंफर्म, इसके मतलब एग्जैक्ट रेट नहीं है, इसमें प्राइस थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। भाई सेंट्रो क्लब जिसे हम कहते हैं, और 2005 मॉडल है, और 5.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं गाड़ी। मतलब कि बाहर से शावर्ड है, अंदर से गाड़ी जेन्युइन है, बाकी छत साइड इसकी जेन्युइन है, और गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन है, बाहर से कोई काम वगैरह नहीं है गाड़ी में, दरवाजे साइड भी ओके हैं इस गाड़ी के। फिर गाड़ी आप लोगों को समझ में आती है तो सेंट्रो के मुझे 2-3 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे यार सेंट्रो वगैरह ऐड करें, तो सेंट्रो में ऐड कर रहा हूँ मैं। हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि सब सेंट्रो एक लाजमी ऐड करूँ। बोनट खोलना। तो इसका इंजन रूम वगैरह विजिट कर देते हैं, तो इंजन रूम से भी सही है, बहरहाल इस साइड से आप लोगों को चेक करनी है ये गाड़ी। तो 5.5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं, 2005 का मॉडल है। नंबर वगैरह भाई से मैं ले लेता हूँ। चाचा नंबर बता दीजिए। 0343 2452 1912। चाचा क्या नाम है आपका? मेरे बेटे का नाम है मिराज। मिराज 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 निजान बैंक।
ठीक है। अच्छा, ये इसका टैक्स वगैरह सब पेड है इसका? ठीक है। ये फर्स्ट ओनर है कितने? सेकंड ओनर पे पेपर वगैरह सब कंप्लीट है? ठीक है। 5.5 लाख रुपये? तो 5.5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं इसकी। अंदर लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। गाड़ी साफ सुथरी कंडीशन में है। 2005। 5.5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं और पेपर वगैरह सब कंप्लीट है, टैक्स वगैरह सब पेड है इसका। लेते वक्त फिर भी आप लोग गाड़ी को उसी तरह चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड वाली जो फाउंडर है ना उसको हल्का फुल्का मुझे डाउट नज़र आ रहा था हमारा। लेते वक्त फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये है डायट्सु हाईजेट 12-18 का मॉडल है और पूरी गाड़ी जेन्युइन है ये। बाकी डिमांड वगैरह मैं आप लोगों को एंड में बता दूंगा। वाइट कलर में, टायरों की कंडीशन में तकरीबन हमें 80% तक मिल सकती है, 80 से 90% तक कह सकते हैं। बाकी गाड़ी साफ सुथरी है बाहर से तो अंदर से पूरी गाड़ी है जेन्युइन है, बाहर से भी जेन्युइन है। पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो 660 जो होती है ऑटो ट्रांसमिशन में, LCD बैक कैमरा अगर इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। और जो बैक की बात करें तो बैक भी ओरिजिनल हालत में मिलता है इसका। तो सीटें यहाँ इंस्टॉल नहीं है, यहाँ करवा सकते हैं आप लोग सीटें इंस्टॉल। बाकी ओरिजिनल सीटें जो कंपनी की लगी हैं वही लगी हुई इसमें। बाकी नंबर वगैरह बाइक का वो ले लूँगा मैं, बाकी डिमांड क्या है वो भी बता दूँगा। तो मैं थोड़ा सा जो मुख्तलिफ गाड़ियों की प्राइस अपडेट कर रहा हूँ और जिसकी मुझे थोड़ी बहुत मुनासिब लग रही है उसकी मैं अपडेट कर रहा हूँ प्राइस। बाकी नंबर वगैरह भाई से ले लेते हैं। क्या नाम है? रहीमुल्ला भाई। इसका क्या डिमांड कर रहे थे? 11-20 डिमांड 11-20। अगर कमी पेशी हो जाएगी कॉल वॉल करें आपके पास तो। ये पेपर वगैरह सब कंप्लीट है? सब कर। कितने ओनर में गाड़ी? फर्स्ट ओनर में। ठीक है। गाड़ी पूरी जेन्युइन है टोटल? ठीक है सर। तो गाड़ी आप लोग पूरी जेन्युइन मिल जाएगी। 11-20 डिमांड कर रहे हैं। प्राइस में कमी पेशी हो जाएगी अगर आप लोग चाहिए तो। डायट्सु हाईजेट 2-3 में वीडियो में ऐड नहीं की तो काफ़ी लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डायट्सु हाईजेट ऐड कर। इसकी वीडियो थी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोग पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ लगे बेल आइकन बटन दबा दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।